हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अच्छा गुड इवनिंग हमेशा गुड मॉर्निंग ही कहते हैं हेलो सुनिए नमस्कार मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ आई ग्रू अप इन बॉम्बे और मैं यहाँ 17 साल की उम्र में उड़ीसा से आया था केजे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ने के लिए तब से यहाँ था 11 साल उसके बाद 52 ईयर्स हो गया मैं दिल्ली में हूँ और स्टिल लाइफ इज बॉम्बे क्योंकि बॉम्बे के लोग बहुत सीधे साधे अच्छा। हैं लेकिन ये बुरा नहीं मानना मुझे हर जगह पसंद है दिल्ली भी पसंद है बॉम्बे भी पसंद है बॉम्बे में सीजन नहीं है दिल्ली में ठंडी गर्मी स्प्रिंग सब कुछ है ये दूसरा बॉम्बे में मेरे टाइम में बॉम्बे वॉज अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉस्मोपॉलिटन सिटी विथ मैनी आर्टिस्ट राइटर पोएट पेंटर म्यूजिशियन आर्किटेक्ट सब बहुत साइंटिस्ट सब थे आप समझ रहे हैं ना और अभी वो शिफ्ट हो गया दिल्ली हर जगह एक दफा उठता है फिर पीछे पतन होता है फिर उठता है ना तो बॉम्बे में मैं बहुत जगह में रहा हूँ चर्च गेट में लिविंगटन रोड में इधर उधर प्रभा देवी में रहा हूँ वर्ली सीपेस में तो मैं जब 20-22 साल का भी था मेरा जब शो हुआ कि ताज आर्ट गैलरी में बड़े बड़े आर्टिस्ट जो मेरे से 30 साल बड़े भी हैं सब आते थे शो देखते उनको कोई SMS टेलीफोन कुछ नहीं किया जाता था उस जमाने में था ही नहीं था भी नहीं शो के बारे लेकिन लेकिन बोलेंगे अच्छा जतिन का शो है जाएंगे हेब्बर चावड़ा बेंद्रे आरा सब लोग कैंटोंडे दशरथ पटेल वगैरह वगैरह इट विल साउंड लाइक नेम ड्रॉपिंग कि ये सब वो जमाने में बड़े छोटे आर्टिस्ट का नहीं था इसका काम अच्छा है लोग पसंद करते थे देखने जाते सब का किसी का अच्छा फिर हम जाते थे ये क्या उसको बोलते हैं मेट्रो के सामने जो आंगन है क्या जगह जहाँ म्यूजिक होता था ये सब न्यूज वाले हैं बाबा इनको सिर्फ इतना इंटरव्यू ले शाम को सुबह तक सुनते ये साउंड बाइट वाले हैं नहीं पर ये लोग कुछ भी नहीं ये बहुत दिलदार है और हाँ मैं बहुत सारे एग्जीबिशन बॉम्बे में किया हूँ दिल्ली में कलकत्ता में मद्रास में बैंगलोर में विदेश में किया हूँ अभी शो करने का बहुत इच्छा नहीं होता ये शो 5 साल के बाद हो रहा है इसी गैलरी में 2017 आई हैव अ शो हियर एंड दिस इज अ शो नाउ आफ्टर 5 इयर्स और इसके बाद कब करूँगा मुझे याद मालूम नहीं और मैं कभी शो का सोचता नहीं हूँ काम करता हूँ जब भी कब एक ग्रुप ऑफ वर्क बनता है फिर शो के लिए सोचता हूँ ठीक है ना तो आप लोग जरा आपके जरिए सबको बोलिए आके देखें दूसरे कलाकारों का देखें गांव देखें और ये प्रकृति पुरुष आपको कैसे क्यों सोचा आपने ये शिवा शक्ति नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको प्रकृति पुरुष बोल रहा हूँ इसीलिए ये जो ब्रह्मांड है प्रकृति पुरुष का मिलन से प्रकृति बनता है और हमारे देश में अर्धनारीश्वर के कॉन्सेप्ट है मूर्ति का स्कल्पचर का वगैरह और मैं कोई रिलीजियस हिसाब से नहीं बनाया मैं बनाया मुझे पसंद है इसीलिए बनाया और दूसरा बात है मैं अहमदाबाद में ये अदानी के लिए म्यूरल बना रहा था बहुत सारे आर्टिस्ट बना रहे थे मैं भी एक बनाया शिवा शक्ति के ऊपर और उस वक्त ये सब काम पैदा शुरू हुआ तो मैं क्या करता हूँ मैं कोई सोच बात के काम शुरू नहीं करता मैं काम करता हूँ काम मुझे बताता है क्या करना है समझ रहे ना आज आपके बहुत सारे पुराने दोस्त आए यहाँ पर बहुत सारे पुराने कैसा लगा किसी को बहुत सारे को इन्फॉर्म नहीं किया था मेरे बेटी ने किया गैलरी वालों ने किया इसीलिए दोस्त आए मैं खुश हुआ लेकिन बहुत सारे दोस्त गुजर गए हैं जो कि नहीं है कि आए और कुछ दोस्त थे जो कि ये में है सबब में है और उनको खबर भी नहीं मिला आए नहीं और सब आके देखें
और इसके बारे पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मैं कभी बोलता नहीं, सिर्फ बोलता हूँ ड्राइंग है, वाटर कलर है, इंक है, बाकी आप देखिए, ग्राफिक्स है, आप लोग देखें और धन्य हो, आप लोगों को नमस्कार है। सो मैं तो अपने मतलब मेरे लिए यही नॉर्मल था कि मैं एक कैसे बोले मैवरिक आर्टिस्ट के घर में पैदा हुई, मैं कई म्यूजिशियंस आर्टिस्ट डांसर्स उसी माहौल में पली बढ़ी। मैं तो सोचती थी कि माएँ ऑफिस जाती हैं क्योंकि मेरी माँ 9 to 5 का जॉब पूरा करती थी नेशनल बुक ट्रस्ट में, तो मुझे लगता था कि माएँ ऑफिस जाती हैं और पिताजी खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं और मस्ती के लिए पेंटिंग करते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी खाना बहुत अच्छा एक्चुअली खाना बनाते हैं, तो वो सच्ची में मुझे ऐसे लगता था। और वो जैसे औरतें जो ज़्यादातर एक समाज में करती हैं वो सारे काम वो करते थे, इसलिए मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आदमियों का ये काम नहीं है, बाद में जाके पता चला। तो थोड़े अलग तो थे हमारे घर का माहौल, ये थोड़ा अलग था, और मैं देखती थी कि एकदम से कितनी स्फूर्ति से वो जिस तरह से पेंटिंग और ड्राइंग करते हैं। जब मैं बड़ी होने लगी मैं देखने लगी काफ़ी आर्टिस्ट पेंसिल से पहले ड्रॉ करते हैं, फिर उसको भरते हैं, फिर स्केल भी यूज़ करते हैं, और मैं देखती थी कि मेरे पिताजी तो बस मतलब उन्होंने कभी पेंसिल यूज़ नहीं किया, हमें मना किया जाता था कि हम कभी भी इरेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहते हैं कोई चीज़ गलत नहीं होती है, अगर कोई लाइन इधर हो गई तो आप उससे कुछ और बना लो, तो हमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि हम स्केल लें या इरेजर लें। तो उस माहौल में मैं बड़ी हुई, और आज देखिए उनकी 80th बर्थडे का साल है, 2 December को उनको 80 साल हुए, और अभी भी वो मेरे से ज़्यादा चीज़ें उठा पाते हैं, मेरे से तेज़ चलते हैं, और होपफुली ऐसे ही रहेंगे। और मुझे तो बहुत ही विश्वास है कि अगर इंसान मन से पॉजिटिव हो और साफ दिल हो और यू नो एक बचपना हो, तो मेरे ख्याल से वो फिज़िकली भी आपको इम्पैक्ट करता है। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग शो है, और मुझे खुद मैंने ये वाला शो अहमदाबाद में भी उनका ऐसा एक शो हुआ था इसी प्रकृति पुरुष को लेकर, और तब मैंने देखा कि 2 साल कोविड में जो वो अकेले इतना रहे, हम भी नहीं ज़्यादा जा पाए, और वो बस घर रहते और स्टूडियो जाते, बस उसके अलावा उनके स्टूडियो के भी सारे असिस्टेंट्स भी नहीं आ रहे थे, पर उस दौरान उन्होंने ये सब कैसे बनाया खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग शो है, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और यहाँ पर जहांगीर आर्ट गैलरी में 11 तारीख तक है, और उसके बाद 12 से 23 गैलरी आर्ट एंड सोल जो वर्ली में है वहाँ पर है। तो मैं सबको ये विनती करूँगी, गुजारिश करूँगी कि सब लोग आएँ, चाहे स्टूडेंट्स हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे आर्ट के बारे में नहीं पता या पता नहीं मैंने कैसे देखा, हम भी ऐसे ही पले बढ़े, देखते हम सीखे जाने। और मैं कभी भी अपने फादर को पूछती हूँ कि इसका क्या मतलब है या कैसे बनाया, तो वो कहते हैं ये सब सवाल मत किया करो, सिर्फ देखो, कुछ पेंटिंग्स तुम्हें अच्छी लगेंगी, कुछ नहीं लगेंगी, इसके पीछे बहुत ज़्यादा उसको इंटेलेक्चुअलाइज करने की कोशिश मत करो, दिल से देखो तो शायद जो अब समझ ज़्यादा आने लगेगा। दिल रहा है वो हमेशा एक बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस जैसे कहते हैं कि बेयर फिगर्स करते हैं, क्योंकि उसके कोई समय नहीं होता, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, वो एक मतलब एक इंसान की जो अंदर की अनुभूति होती है उसको एक अलग तरीके से व्यक्त होती है, और कभी इंसान डिप्रेस भी होता है तो पता नहीं क्या कुछ और निकल जाता है। तो एक आर्टिस्ट की जर्नी का कोई आर्टिस्ट को भी शायद कभी कभी पता नहीं चलता है कि वो क्यों ऐसे बनाते हैं, जैसे अभी उन्होंने कहा कि वो कभी भी अपने आर्ट के बारे में बोलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि खुद ब खुद आर्ट अपना काम करे। जैसे जब मैं फिल्म बनाती हूँ और लोग पूछते हैं इसके पीछे ये था वो था, यू नो बहुत चीज़ें होती हैं, फिल्म तो फिर भी एक कंपोजिट आर्ट है, पर पेंटिंग पोएट्री ये सब बहुत प्योर आर्ट है और इसकी जर्नी बिल्कुल अलग होती है।